हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की क्लास में वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना, हमारे पेपर होने वाले हैं, तो पेपर के पहले मैं आपको वर्कशीट देती हूँ, वो उसको समझाती हूँ। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो इसमें बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, बच्चा झूले पर बैठकर क्या छूने की बात कर रहा है। तो बच्चों, हमारा पाठ है ना झूला वाला, तो झूला वाला पाठ में बच्चा झूले पर बैठकर क्या छूने की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर आएगा आसमान छूने की बात कर रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, लड़की कितने साल की है। तो लड़की कितने साल की थी, जो है ना आम की टोकरी वाला पार्ट है हमारे, उसमें लड़की कितने साल की थी, तो हमारे क्या है ना 6 साल की छोकरी, तो इसका उत्तर क्या आएगा 6 साल की थी। फिर तीसरा प्रश्न है, छोकरी टोकरी कहाँ पर रखकर लाई। तो टोकरी किस पर रखा था उसने, अपने सिर पर रखा हुआ था, तो क्या आएगा इसको सिर पर। फिर ये बच्चा क्या लगाने की बात कर रहा है, मैं झूले वाले पार्ट में बच्चा क्या लगाने की बात कर रहा है, झूला है ना बच्चों। फिर ये टोकरी में क्या था, तो टोकरी में क्या था आम। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, तो बच्चों हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला में क्या कक्का पढ़ा पूरा, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ा था, तो स्वर कितने थे 11 और व्यंजन 33, तो इसमें कितने 11 व्यंजन है। फिर ये छोकरी क्या नहीं बताती है, तो छोकरी दाम नहीं बताती है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं बच्चों, तो स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे व्यंजन कैसे क ख बोलते हैं, क बोलते इसमें अ की आवाज़ आती है ना, तो अ क्या है स्वर है। फिर है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों वर्ण कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं वर्ण के। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, टोकरी में आम कौन लेकर आया, तो टोकरी में आम छोकरी लेके आई। आगे दिया गया है बच्चों, खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। इसमें शब्द दी, खाली जगह दी गई है, वहाँ पर हमको शब्द लिखना है। ओके, एक वर्ण लिखना है, फिर पूरा शब्द बनाना है। तो पहला दिया गया है ब, ब खाली जगह री, तो क आएगा फ आएगा बच्चों, तो फ लिखेंगे तो क्या बनेगा ब फ री, नहीं गलत, तो ब क री। ओके, उसी प्रकार दूसरा है क खाली जगह स, तो क्या आएगा कलस। फिर है ख खाली जगह मल, तो क्या आएगा ट, तो शब्द क्या बनेगा बच्चों खटमल। फिर है बच्चों भ खाली जगह त, तो क्या आएगा यहाँ पर ग लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा भगत। फिर बच्चों ये आ, आ के आदमी खाली जगह दिया गया है, तो यहाँ कौन सा शब्द रखेंगे, म रखेंगे या न रखेंगे, तो म, तो क्या शब्द बनेगा आम। उसी प्रकार बच्चों ये है पग, प खाली जगह डी, तो क्या आएगा पगड़ी। फिर म खाली जगह ली, तो क्या आएगा छ रखेंगे तो मछली शब्द बनेगा। उसी प्रकार बच्चों ये शब्द आपको बनाने हैं। फिर आगे दिया गया है ई की मात्रा वाले शब्द पर सर्कल लगाओ। तो बच्चों यहाँ पर सभी शब्द दिए गए हैं, देखो पहला शब्द दिया गया है सा ई कील, इसमें ई की मात्रा है पर छोटी ई की, और हमको तो बड़ी की मात्रा पे सर्कल बनाना है। फिर दूसरा दिया गया है बकरी, बकरी इसमें ई की मात्रा है हाँ, किस पे है र पे, तो हमने क्या किया सर्कल बना दिया। फिर है टिकट, तो टिकट में टी है पर ट पे कौन सी मात्रा है छोटी ई की, पर हमको तो बड़ी ई की मात्रा लगानी है ना। उसी प्रकार है मिठाई, तो ये राई तो हमने क्या कर दिया सर्कल बना दिया। उसी प्रकार है खीर, तो ख पे हमने क्या किया बड़ी की मात्रा, इसलिए हमने क्या बना दिया सर्कल बना दिया। किसान पे नहीं है, किताब नहीं, कान पे नहीं। फिर नानी, तो देखो बच्चों न पे छोटी की मात्रा है, तो हमने क्या किया सर्कल बना दिया, वह पे मात्रा नहीं है। फिर कविता, फिर रानी, देखो बच्चों रानी पे भी न पे कौन सी बड़ी की मात्रा है ना। उसी प्रकार बच्चों ये शब्द दिए गए हैं, देखे रात, रात में मात्रा ही नहीं है। फिर मशीन,
तो मासी ने भी सब पे हमने बड़ी की मात्रा है तो हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। चुईया नहीं है, रेल में भी नहीं है, हाथी पे भी बड़ छोटी है, बड़ी की मात्रा है ना, तो हमने सर्कल बनाया। फिर मिनी, तो नी में भी बड़ी की मात्रा है। उसी प्रकार बच्चों आपको ढूंढ के जहाँ पर भी बड़ी ई होती है उस पर यहाँ पर गोला बना देना है। ओके बच्चों, फिर आगे दिया गया है वाक्य पढ़ो और लिखो। आपको बच्चों पढ़ना तो आया ना, जिसे हम पढ़ते हैं घर चल कर जल भर। तो फिर उसी प्रकार हमको यहाँ पर भी अच्छी अच्छी राइटिंग में बोल बोल के लिखना है घर चल कर जल भर। फिर है रतन नमन कर, तो हमने फिर से यहाँ लिखा रतन नमन कर। फिर बच्चों दिया गया है रथ पर मत चढ़, तो हमने लिखा रथ पर मत चढ़। फिर है अलका आम खा, तो हमने उसी प्रकार लिखा अलका आम खा। जल ढक कर रख, तो जल ढक कर रख। डाकिया डाक लाया, तो हम क्या लिखेंगे डाकिया डाक लाया। इस प्रकार बच्चों को बोल बोल के अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है ना। फिर आगे दिया गया है समझो और सही अक्षर पर रेखा करो। तो बच्चों यहाँ पे हमको दिया गया प, तो हमें उनको ऊपर प ढूंढना है, फिर नीचे नीचे लाइन करनी है। ओके, तो देखो ये पहले दिया गया है, यहाँ पर हमको प ढूंढना है, तो ये रहा प, तो हमने क्या कह दिया लाइन कर दी। इसमें प है हाँ, तो ये लाइन कर दी। इसमें प है हाँ, ये लाइन कर दी। फिर है म, तो म है हाँ, ये रहा म, हमने नीचे क्या कर दी, नीचे लाइन कर दी है। फिर है ब, तो ब ये रहा ब, ये रहा ब और ये रहा ब, है ना। उसी प्रकार बच्चों हमको यहाँ पर भी ख ढूंढना है, तो ये रहा ख। फिर ल ढूंढना है, तो ल ये रहा बीच में। फिर भ ढूंढना है, तो भ ये रहा भ, है ना बच्चों। फिर आगे दिया गया है तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर तीर दिए गए, उसको मिला के हमको शब्द बनाना है। तो तीर जैसे जा रहा है ना, उसी से हमको शब्द लेना है। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कछू, और क्या शब्द लेना है आ, तो क्या बनेगा कछुआ। फिर है म छू आ, तो क्या बनेगा मछुआ, है ना बच्चों। बच्चों फिर यहाँ पर शब्द बनेगा म छुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे म छू आ, है ना बच्चों। फिर है बटुआ, तो हमने ये लिख दिया बटुआ। ओके बच्चों, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब ये दिया गया ब गुला, तो हमने लिखा बगुला। फिर ब त ख, तो बतख। फिर ब करी, तो हमने क्या शब्द बना बकरी। उसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर दिया गया भ, भ से कौन शब्द बना, भ में हमने व मिलाया, तो भवन। फिर भ ग वा न, फिर भगत। फिर बच्चों आगे दिया गया है टमाटर, हमने मिलाया ना, तो क्या बना टमाटर। फिर क्या बना ट, फिर बना टम टम, है ना, ऐसे हमने शब्द बनाए। बच्चों आज हमने हिंदी की वर्कशीट पढ़ी, आपको समझ में आया, मजा आया मेरे साथ पढ़ने में। तो बच्चों आपको इसका रिवीजन करना है, हमारे पेपर आने वाला है ना, तो पेपर हमने इसी में से मैंने आपको पेपर बनाया है, तो आप इसको याद कर लोगे ना, तो आपको पेपर भी जल्दी से आ जाएगा। ओके बच्चों, अच्छी तैयारी करना। ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए आपको।